लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी की कोशिश है कि राम मंदिर आयोजन की धूम को देश भर में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक ले जाया जाए। इस मुहिम की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मोदी और सरकार के तमाम मंत्री स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत देश के अलग अलग मंदिरों की सफाई में योगदान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की और बुधवार को केरल के त्रिशूर जिले के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच गए। इसके बाद वो श्री रामास्वामी मंदिर जाएंगे, जहां भगवान श्री राम मुख्य देवता के तौर पर पूजे जाते हैं। साथियों, कुछ ही दिन पहले अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए मैंने केरला में स्थित रामायण से जुड़े 4 पवित्र मंदिरों नालम्बलम की बात की थी। केरला के बाहर बहुत लोग नहीं जानते कि ये मंदिर राजा दशरथ के 4 पुत्रों से जुड़े हैं। ये सारे कार्यक्रम अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दक्षिण भारत के सियासी माहौल को राममय बनाने की कोशिश का हिस्सा हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी देश भर में माहौल को राममय बनाने में जुटे हैं। अमेरिका में भी दर्जनों कार्यक्रम हो रहे हैं। मॉरिशस के मंदिरों में दिए जलाकर मानस पाठ करने की योजना है। ऐसे में ऐसा लगता है कि विपक्षी दल बीजेपी द्वारा सावधानी से बिछाए गए जाल में फंस गए हैं। शुरुआत में कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर इंतजार किया, लेकिन बाद में इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर समारोह से किनारा कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी समारोह है। आइए देखते हैं कि इंडिया गठबंधन के किन कद्दावर नेताओं ने अब तक राम मंदिर समारोह से किनारा किया है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इन नेताओं ने बीजेपी पर राम मंदिर के सहारे अपना वोट बैंक मजबूत करने का आरोप लगाया है। हालांकि विपक्ष के ये सारे नेता जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा या राम मंदिर से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ऐसा करने पर वोटर्स नाराज होकर उनसे किनारा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की उनकी कोशिशों को झटका लग सकता है। लिहाजा विपक्ष की इन पार्टियों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी को खुद अपने कार्यक्रम तय किए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोलकाता के कालीघाट मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगी। ममता जानती हैं कि बंगाल में भगवान राम की तुलना में शक्ति पूजा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लिहाजा कालीघाट मंदिर जाकर बीजेपी के राम के सामने मां काली को खड़ा करने की योजना है। इसके बाद ममता अलग अलग धर्मगुरुओं को बुलाकर एक सांप्रदायिक सद्भावना रैली भी आयोजित करेंगी। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी अपनी हिंदुत्वादी विरासत को बनाए रखने के लिए नासिक के राम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार हाल ही में सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली जाकर पूजा अर्चना करते नजर आए थे। उन्होंने मां सीता के भव्य मंदिर की सौगात देने का वादा भी किया था। तेजस्वी यादव ने पूरे परिवार के साथ तिरुपति मंदिर जाकर माथा टेका, तो शिवपाल यादव ने भी मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर जाकर दर्शन किए। इधर दिल्ली में सुंदरकांड का आयोजन करवाने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गुजरात में शनिवार से 3 दिवसीय आयोजन रखा है, जिसमें गुजरात की हर तालुका में रामधुन आयोजित कराने का फैसला लिया गया है। साथ ही पांडाल लगाकर महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। यानी विपक्ष के ये तमाम नेता ये संकेत देना चाहते हैं कि भले ही वो अयोध्या न जाएं, लेकिन किसी भी तरह से हिंदू विरोधी नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में जब कुछ ही महीने बचे हों तो कोई भी हिंदू विरोधी दिखने का जोखिम नहीं उठा सकता, और इंडिया गठबंधन की ये पार्टियां बीजेपी के राम मंदिर दांव की काट निकालने में जुटी हैं। 20 तारीख ने शनिवार है, तमाम जिला आगामी 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। स्वाभाविक है कि हर तरफ उत्सव का माहौल है। राम हम सबकी आस्था के केंद्र हैं।
वर्षों से हमारी तमन्ना है कि रामराज्य होना चाहिए। भगवान राम ने भरत से कहा था कि रामराज्य में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, सबको सुखी रहना चाहिए। भगवान राम की परिकल्पना के आधार पर आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रही है, इसलिए पार्टी की गुजरात इकाई 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। शनिवार को गुजरात के तमाम जिलों और नगरपालिकाओं में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा। रविवार को सभी तालुकाओं में रामधुन आयोजित करवाई जाएगी और सोमवार यानी 22 तारीख को सभी जिलों और महानगरपालिकाओं में महाआरती, दिन भर रामधुन और पंडाल लगाकर महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। आखो दिवस रामधुन अने पंडाल नाखीने महाप्रसाद ना वितरण नो पण आयोजन करवामां आवी रह्यो छे। इंडिया गठबंधन की मजबूरी यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही हिंदू भावनाओं में जोरदार उछाल आया है। इस उछाल की अनदेखी विपक्षी पार्टियां भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि 22 जनवरी के बाद इन भावनाओं में उतार आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के तर्कश में अभी और तीर बाकी हैं। 14 फरवरी को वो आबू धाबी में एक बड़े हिंदू स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की उड़ान भरेंगे। कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियों का बड़ा संकट यह है कि हिंदुओं की धार्मिकता पर निशाना साधे बगैर वो मोदी को आड़े हाथों कैसे लें। सीट समझौते के संघर्ष और मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी की चिंताएं अपनी जगह जारी हैं, लेकिन विपक्ष की एक और परेशानी यह है कि वो कई मौकों पर अपनी साझा विचारधारा के लिए भी संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, जैसा कि राम मंदिर के मसले पर नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति महंगाई, बेरोजगारी और रोजी रोटी से जुड़े मुद्दों को उठाने की है। प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि आर्थिक मुद्दे भी चुनाव में महत्व रखते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पहले ही अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। बहरहाल बीजेपी के रामलला पर विपक्ष फिलहाल धर्म संकट में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव आज तक।